तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विपिनांत। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए साधु का पोर्ट्रेट लाया हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपका ड्राइंग में हाथ अच्छा चल रहा होगा, तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वाटर कलर से आपको इसकी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के हिसाब से आपको इसको बताऊँगा पूरा पोर्ट्रेट। तो पहले मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने ड्राइंग कर ली है। तो आपको कलर करने से पहले ये बता दूं कि जो पिछली मेरी वीडियो है वाटर कलर की लैंडस्केप, उसको आप ज़रूर देखिए। उससे आपको समझ में आएगा कैसे पोर्ट्रेट में भी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के हिसाब से आप देख सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अब पानी मार लीजिए किसी भी पोर्ट्रेट पर। उसके बाद इसका लेख लीजिए और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप काम कीजिए इससे। और लाइट वाला पोर्सन, जो वाइट वाला पोर्शन चाहिए आपको, जो उसको पहले से ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे इसमें काम होगा किसी भी पोर्ट्रेट पे। तो पहले मैं लाइट पोर्शन निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप देखते रहिए इसको। जो बेड वाला एरिया है उसमें भी हल्का पानी मार के कहीं कहीं काम होगा फर्स्ट लेयर पे। तो फ्रेंड, आपको पोर्ट्रेट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला पोर्ट्रेट ख़राब करोगे, दूसरा ख़राब करोगे, तीसरा, चौथा, सौवां करोगे, जो 101वां पोर्ट्रेट होगा वो आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा बहुत ही बेहतर। तो फ्रेंड, आप बिना ख़राब किए सीख नहीं पाएंगे। तो आप जिससे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड लेयर में क्या करोगे, जहाँ जहाँ आपको डेप्थ की ज़रूरत है आप डेप्थ पोर्शन बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड, आपने वाइट वाला पोर्शन पहले से ही छोड़ना होगा, तो आपको बाद में वाइट मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब सेकंड लेयर को आप देखते रहिए।
तो फ्रेंड आप कोई भी पोर्ट्रेट कर रहे हो उसमें क्या कीजिए, आप टाइम ज़रूर लगाइए। अगर आपको डेप्थ की कमी लगी तो आप डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप डेप्थ बढ़ा सकते हैं। और थर्ड लेयर में काम करने से पहले आप इसको एक बार ड्रायर से सुखा लीजिए, उसके बाद थर्ड लेयर में काम होगा। थर्ड लेयर में सबसे ज़्यादा काम होता है बीएड पे, तो आप लोग इसको आराम से कीजिएगा ये वाला पोर्शन, और ऊपर वाले पोर्शन में कहीं कहीं काम कीजिए। इसमें आपको एक बात बताना भूल गया, कहाँ से आपका लाइट वाला पोर्शन है और कहाँ से आपका डेप्थ वाला पोर्शन है, उसको पहले आपने जो भी आप रेफरेंस लेंगे उसमें आपने देखना होगा। और आगे का पोर्शन अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जितना हो सके आप ब्राइट कलर का यूज़ कीजिए। जो आप लोग क्या करते हैं, ब्रश को एक बार आपने लगाया फिर उसी ब्रश को पैलेट में लगाया और दोबारा कलर लगाने लगते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, हर बार ब्रश को धो लीजिए। तो आपको अपने काम में खुद ब खुद फ्रेशनेस नज़र आएगी। पोर्ट्रेट बनाने में आप लोगों को मेरी परछाई भी नज़र आ रही होगी, तो उसके लिए आप तहे दिल से माफ़ कीजिएगा। तो आगे का पोर्शन आप देखते रहिए। तो फ्रेंड जहाँ जहाँ मुझे कमी बेसी लग रही मैं वहाँ डिटेलिंग कर दे रहा हल्की फुल्की, ज़्यादा काम आपने नहीं करना है इसमें पोर्ट्रेट में। तो फ्रेंड आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना कीजिए। आप लोग पोर्ट्रेट बनाए तो सही, पोर्ट्रेट खराब ही सही, इसी बहाने आप लोग सीख तो पाएंगे। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग आगे की क्लास भी ऐसे ही देखते रहेंगे। तो फ्रेंड लगातार आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी स्किल भी बढ़े और आपका हाथ भी ना रुके। तो फ्रेंड आज का ये वाला पोर्ट्रेट आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको ये वाला पोर्ट्रेट अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपको भी और उनको भी सीखने को मिले। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज का ये वाला पोर्ट्रेट आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड।